Hi guys, how are you? Assalamualaikum. I hope everyone is happy, healthy with your family. Thank you so much for coming new person my home, brother and sister. माहम की बच्ची ने अभी अभी वीडियो एक अपलोडिंग की है. एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं शामी, जिसको कौन नहीं जानता, उन्हें हर कोई जानता है. वो अपनी मेहनत से जो है वो वीडियो अपलोडिंग करते हैं, अपनी फनी वे पे चीज़ें लेकर आते हैं और लोगों को उनका काम भी बहुत ज़्यादा पसंद है. लेकिन शामी ने जो आज जो उसकी इंटरव्यू लिया था, उसके ऊपर मैंने भी बोला था कि जी हाँ जी, उन्होंने जो है हंसी मजाक में और कैमरा को जूम करके मतलब उन्होंने इस तरह इंटरव्यू. लेकिन मेरे ख्याल में शामी भाई ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि माहम उल्टा अटैक जो है इनके ऊपर करेंगी और इनको झूठा कर दिया जाएगा और कहेंगी ये थर्ड क्लास का ये लड़का है, ये यूट्यूबर है जो आया और मेरा इंटरव्यू लेकर गया और जो जो मैंने बातें इसको बताई थी इसने वो सारी बातें जो है वो कट कर खाली जो है इसने अपनी ही बातें जो है उसके अंदर पूरी मीडिया को सुनाई. तो जी माहम ने जो है जी अपने हमारे इस भाई को भी नहीं छोड़ा, इनके ऊपर भी अटैक किया गया. और 14 अगस्त वाला जो मसला है, 14 अगस्त को वो जो एक लड़की थी, वो औरत थी, वो जो एक लड़का था उसके साथ मिलके जो कुछ भी उसने 14 अगस्त वाले दिन जाकर किया, उसके साथ वाली बात को भी, उस वीडियो को भी ये बीच में लेकर आएंगे. जी ये शामी वहाँ पे गया उसको बहन का और उसके साथ उसने वीडियो बनाई और उसके साथ साथ जी इन्होंने फिर बाद में ये हट गए. तो इन्होंने जी यहाँ से साबित होता है कि ये औरत जो है टोटली जो है पागल हो चुकी है, क्रेजी हो चुकी है. क्योंकि एक पीछे जो है बिल्ली का, कैट का जो एक पिक्चर बनी हुई है उसके साथ ये बातें करती है और कहती है हना किटी और उस तस्वीर के साथ ये जहरी बातें. जो पागल इंसान होता है वो दीवारों के साथ और कोई भी चीज़ें होती उनके साथ जो है वो बातें करना शुरू कर देता है, जिसमें जान बिल्कुल भी नहीं होती है, वो बेजान चीज़ें होती हैं. इसी तरह जी ये भी एक अपनी किटी जिसको ये कह रही उसके साथ बातें कर रही है और उसको कह रही, भाई देखे शामी अपने मुँह से कह रहा है कि जी मैं थर्ड क्लास हूँ. और बार बार जो उसका वो जो क्लिप है वो बार बार वो जो रिपीट करके सुना रही हैं, दिखा रही हैं और ये कह रही हैं कि जी देखो मैं बाहर निकली हूँ, वो गाड़ी से निकला है, वो गाड़ी में है. तो जहरी बात है बीबी जी, उनकी मेहनत की कमाई हुई गाड़ी है, जहरी बात है वो गाड़ी में ही आएगा ना, पैदल तो वो आएगा नहीं. जहरी बात है अल्लाह ने उसको इतना दिया हुआ है कि वो गाड़ी में बैठ कर आया. आपको किस चीज़ की जलन और किस चीज़ की आपको तकलीफ हो रही कि जी इतनी अच्छी सी गाड़ी में बैठ कर आ गए हैं जी? आपको अगर तकलीफ होती तो आप बहना उड़कर जाती ना, वो करती हैं. फिर कह रही है जी मुझे बहुत फ़ोन किए गए, मुझे दूसरे आदमियों से फ़ोन करवाए गए जी, हम मुझे इंटरव्यू दे दे, ये कर दे, वो कर दे. अगर आपके पास वाकई पूरे सबूत है ना कि वाकई आपने जो कुछ भी उनको भाई को इंटरव्यू दिया है, जो कुछ भी किया, तो आप हमें सारी चीज़ें वो भी शो हमें कराती, वो भी आप दिखाती. ये क्या था जी, आपने बस ये छोटा सा क्लिप दिखा दिया जी, भाई गाड़ी से निकल रहे हैं और आप निकल आएंगे और आप व्लॉगिंग बना रही हैं और वो पूछ रहे हैं जी आपने भी से व्लॉगिंग बनाना शुरू कर, तो ये कौन सी कोई बड़ी चीज़ है जो आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया ये एक छोटी सी चीज़ को दिखा के? जहरी बात है वो गाड़ी से आए हैं जी, वो अंदर आ रहे हैं और आपको भी अपना चैनल चमकाना है, उनका नाम यूज़ करना है, वो कोई छोटी बड़ी वो चीज़ नहीं है, उनका एक नाम है, अल्लाह ताला ने उनको एक नाम दिया हुआ, उन्होंने अपनी इज्जत से अपनी मेहनत से सारा कुछ किया हुआ. आपकी तरह जो है ना उन्होंने बच्चियों को अगवा कर उन बच्चियों के पैसे लेकर खा कर जो है ना अपना जो गाड़ी और जो शोहरत आप अभी दिखा रहे हो, दबदबा रोब दिखा रहे हो ना, वो सब चीज़ें इस भाई ने नहीं किया. इन्होंने फिर भी एक लिहाज आपके साथ किया, एक लिहाज के दायरे में रह के इन्होंने आपसे बातें पूछी, जो भी उन्हें जामी शेरी या जो कुछ भी उन्होंने पूछा वो एक लिहाज में रह कर पूछा. बाकी आपको अपनी पता नहीं, आपको इतनी अपनी एज पे क्या आपको आग लगी हुई है कि भाई एज मेरी एज हर बात में आप अपनी एज को लेकर आ रही हैं. इससे आपको यही हम लोगों को जाहिर हो रहा है कि आप बहुत बड़ी एज की हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी करा के जो आप बैठी हुई अपने टूटे फूटे दांतों के साथ और अपनी किटी के साथ, जिसको आप किटी कह रही हैं और उससे सवाल जवाब आप पूछ रही हैं, हना किटी देखो किटी, ये किटी, वो किटी, फलान किटी, ढींग किटी. तो लगता है कि आपका जो दिमाग है ना पूरे तरीके से वो हिल चुका है, आप पागल हो चुकी हैं, आपको पागलखाने में जाना चाहिए और पागलखाने में जाके आपको इलाज कराना चाहिए. तो जी शर्मी भाई ने तो जाके इनसे जो भी सवाल अपने अंदाज में, उनका जो अंदाज एक स्टाइल है उनका, उन्होंने उससे पूछा. ठीक है जी, उसके ऊपर मैंने भी वीडियो डाली कि मुझे भी लगा कि वाकई उन्होंने एक हंसी मजाक में नहीं पूछना चाहिए था, इनको एक कराकेदार जो है इनसे पूछना चाहिए था कि जो अक्ल है ना वो ठिकाने आ जाती अगर शामी भाई ने इससे टका टका के इससे ना सवाल जवाब पूछते. इसलिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जी पाक विलेज लोग भाई इस जगह पे होते हैं ना, तो इस औरत के जो है ना इसको जो है ना रात जो होती है ना तारे तारे तबकते हुए वो इसको दिखा देते हैं. लेकिन अफसोस
अफसोस ये है कि ये उन्होंने इनसे जो है वो इंटरव्यू नहीं किया। बाकी जो भी पढ़े लिखे लोग भी इस मैदान में आ चुके हैं। और दूसरी बात ये बहुत खुश हो रही है और मुबारकबाद दे रही है, कह रही है जी सबको मुबारकबाद हो, लड़की और लड़के के हक में फैसला हो गया, अदालत उनके हक में फैसला दे दिया है, माँ बाप को झूठा करार दे दिया कि जी माँ बाप झूठे, माँ बाप ने जो बात वगैरह भी की है वो सब की सब झूठी है। और ये बंदी इतना खुश ये बंदी हो रही है और मुबारकबाद दी जा रही है, लख लानत है तुम्हारे ऊपर महम कि आप जो है एक बच्ची को अगवा करवा कर उस बच्चे के साथ मिलकर छोटे छोटे बच्चों के साथ जो आप हरकतें कर रही हो वो सब कुछ जो है मीडिया के ऊपर सामने आ चुका है। और आप देख लेना बहुत जल्दी जो है ना आपके साथ क्या होने वाला है वो आपको खुद को भी नहीं पता, बहुत जल्दी आपके सामने सब चीज़ें आएंगी जो आप इतनी उछल रही हो कूद रही हो, जो आके आप जो है अपना मुंह खोल खोल कर बोल रही हो, ना छोटे के लिहाज ना बड़े के लिहाज कुछ भी आपको नहीं पता कि आपको कहाँ क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है। अगर कोई बड़ा यूट्यूबर भी आ जाता है तो आप जो है उसको भी जो है दो टके का आप कहना शुरू कर देते हो, क्या आप खुद रही हो जहरी बात है, उन्होंने तंज आपको ही मारा था लेकिन आपको जहरी बात अक्ल तो है नहीं, आप पूरी क्रेजी पागल हो चुकी हो, इसलिए किटी किटी से हर बात पूछ रही हो, किटी से ये भी पूछ लो कि मैं बाथरूम में चली जाऊँ, किटी से पूछ लो मैं खाना खा लूँ, किटी से पूछ लो मैं अपने हस्बैंड के पास चली जाऊँ, किटी से पूछ लो हाँ किटी से ही आज के बाद सारी बात कर करके तुम अपनी वीडियो बनाना, तुम इस तरह की पागल जाहिल औरत हो, अपने आप को पता नहीं कहाँ से तुम पढ़ी लिखी औरत कह रही हो, हमें नहीं तो लगता कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम एक नंबर की जाहिल हो बेवकूफ़ औरत हो, अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में भेज दिया, अल्लाह ताला को भी नहीं पता था इस बंदी को दुनिया में भेजूंगा ना मैं तो ये जाके वहाँ पे लोगों की जो जिंदगी है ना वो ख़राब करना शुरू कर देगी, बच्चियों को जो है अगवा करवाना शुरू कर देगी, बच्चियों की जिंदगियों से खेलेगी, छोटे छोटे बच्चों को हायर करेगी और उनको कहेगी कि जाओ लड़कियों को तुम लोग फंसाओ, उसके बाद हम उनके माँ बाप से पैसे लेंगे, उनके माँ बाप से पैसे लेके आधे मैं रखूँगी आधे मैं तुम लोगों को दूंगी। तो इसलिए तुमने एक बहुत बड़ा अपना जो ग्रुप जो है ना वो तुमने बना के रखा हुआ है जो तुम इस तरह की जो हरकतें कर रही हो, और जो हम जैसे जो हमसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो तुमसे आके सवाल जवाब करे उनको तुम थर्ड क्लास कह रही हो, थर्ड क्लास वो नहीं है, उन्होंने एक तुम पे बात रखी थी, थर्ड क्लास तुम खुद हो जो तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो, पूरी दुनिया तुम्हारी इन हरकतों को देख रही है और तुम्हारा साथ कोई भी नहीं देगा, जो तुम कह रही हो ना मेरे सब्सक्राइबर इंशाल्लाह ये सब्सक्राइबर बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तुम्हें जो अपने ऊपर बहुत गरूर है ये ना अल्लाह ताला इस गरूर को मट्टी में डाल देगा, तुमने एक माँ बाप पूरी दुनिया की जो तुम बदवाएं ले रही हो ना तुम भी एक दिन माँ बनोगी ना तब तुमसे पूछेंगे अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ है, तुम बहुत जल्दी माँ बनो बहुत जल्दी और एक बेटी की माँ बनो, मैं तुम्हें ये कहती हूँ, तब हम तुमसे पूछेंगे कि एक माँ का दिल दुखा के एक बाप का दिल दुखा के तुम्हें क्या मिला, पूरी दुनिया को जो तुम बेइज्जत करी पूरी दुनिया को तुम विक्ट्री के निशान और उन लोगों को मुबारकबाद दे रही हो कि भाई हम लोग जीत गए, देखो इसके माँ बाप हार गए, इनके माँ बाप को ये हो गया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में तो तुम्हें डूब मरना चाहिए। आते हैं जी नेक्स्ट, तो जी आज का तो यहीं तक था जो इस औरत ने किया तो वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। आते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में क्या न्यू पॉइंट है वो मैं आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करें या पसंद करें और जो भी न्यू ब्रदर एंड सिस्टर आ रहे हैं उनको मैं वेलकम अपने होम में कहती हूं और लव ज़किया क्वीन मैं यही कहूंगी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज, बाय गाइस।